हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैड बैंक के कंसेप्ट के बारे में, जो कि रिसेंट में न्यूज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 30,600 करोड़ का एक पैकेज जो है वो दिया जाएगा बैड बैंक को सेटअप करने को लेकर। हालांकि जो ये टर्म यूज़ करी गई बैड बैंक, ये नई नहीं है और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और टू द पॉइंट ब्रीफ में जितने भी मेजर टॉपिक होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी मिलेगा, आप भी इसको जो है सेल्फ स्टडी करिए। टाइटल दिया गया एक्सप्लेन व्हाट्स गुड अबाउट ए बैड बैंक, यानी एक बैड बैंक को एस्टेब्लिशमेंट करने में अच्छी चीज़ें क्या है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस कराया कि दो एंटिटीज इसके अंदर सेटअप करी जाएगी और ऑलरेडी सेट कर दी गई है, और ये बेसिकली क्या करेगी, स्ट्रेस एसेट या आप बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति, ऐसा लोन जिसकी रिकवरी जो है वो नहीं हो पा रही है, उसको बैंक जो ये बैड बैंक परचेज करेगा और उसको मार्केट के अंदर सेल करेगा। ये सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे मदद करेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि एडिटोरियल बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया, लेकिन इसका जो मेन क्रक्स है उसके बारे में हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे सिंपल सिंपल वर्ड्स के अंदर, राइट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने कि फॉर्मेशन किया जाएगा भारत के अंदर फर्स्ट एवर बैड बैंक, यानी इंडिया का फर्स्ट एवर बैड बैंक अनाउंस किया गया था। और इसको लेकर उन्होंने बताया कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, NARCL जिसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी सेट कर दी गई है अंडर कंपनीज एक्ट। ये ध्यान रखेंगे इस तरह के वर्ड जो यूज़ किए गए। इसके अलावा इसमें यह बताया गया कि ये लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये की स्ट्रेस एसेट को जो एक्वायर करेगी, और वेरियस कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं बेसिकली जैसे PNB, SBI, आपको सिंपल सिंपल ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरा एंटिटी क्या होगी, राइट, दूसरा एंटिटी होगी इंडियाज डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भी ऑलरेडी सेट कर दी गई है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करेगी, पहली जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी बैड बैंक, बैड लोन को जो है ये एक तरीके से अपने अंदर ट्रांसफ़र करेगी, इस कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो कंपनी है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये डेट सेल जो सॉरी बैड लोन जो है उनको या बैड एसेट को सेल करने का काम करेंगे, और दोनों को एक तरीके से बोल सकते हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर को बैड बैंक के रूप में हम लोग जानेंगे, NARCL और IDRCL को, राइट। और इसको लेकर गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि 30,600 करोड़ रुपए का एक पैकेज एक गारंटी की तरह गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। ये हो गया बेसिक बेसिक सी बात, राइट। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सबसे पहले बैड बैंक है क्या बेसिकली, है ना, हम बैड बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बैड बैंक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हर कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक जो हैं वो डिपॉजिट्स को लेते हैं और पैसे को जमा करते हैं और उसके बाद वो लोन देते हैं, और जो डिपॉजिट्स होते हैं बेसिकली लाइबिलिटीज होती है, यानी हमने पैसा जमा करवाया बैंक के अंदर, ये बैंक की जिम्मेदारी कि वो हम जब भी उनको ज़रूरत हो उसको वापस करिए। इसके अलावा बैंक की इनकम कैसे होती है, हमसे पैसा लेते हैं, किसी को लोन देंगे और उसके बीच में जो इंटरेस्ट होता है उसी गैप को जो है बैंक के प्रॉफिट के रूप में देखा जाता है। लेकिन ऐसी एसेट, ऐसी संपत्ति की मान लेते किसी व्यक्ति ने लोन लिया, कंपनी ने लोन लिया, उसकी कंपनी भी डूब गई और वो पैसा रिटर्न करने की कंडीशन में नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो लोन कन्वर्ट हो जाएगा बैड लोन के रूप में, राइट। यानी ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा पैसा जो वापिस ही नहीं आ रहा, तो इसको बोलेंगे बैड लोन्स, राइट। और बैड लोन्स को, यानी ऐसा लोन जिसको पे बैक नहीं किया जा रहा है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैड बैंक जो है बनाए जाएंगे। बैड बैंक का सिंपल सा मतलब है कि इस अमाउंट को, कि जो रिकवरी नहीं हो रही है, पे बैक नहीं किया जा रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैड बैंक में, ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो अपना फंक्शन स्मूथली कर पाए। और इकोनॉमी में, क्योंकि जब ये एक लिमिट तक होता है तो ठीक ठाक माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए इसको लेकर, इस इश्यू को रिजोल्व करने को लेकर ये सेट किए गए हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ें बताई गई है, और इसको बैड लोन को या बैड लोन को जो है हम लोग NPA के अंदर भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी रिकवरी नहीं हो रही है, ऐसा लोन जिसकी रिकवरी नहीं हो रही है, पे बैक जो है वो नहीं किया जा रहा है, ये एक सिंपल सिंपल सी कंसेप्ट इसके अंदर आप समझेंगे। इसके अलावा ये डेटा दिया गया कि भारत के अंदर टोटल जो
आप देखेंगे रेशियो कितना है कि कितना चार्ट वन के अंदर और चार्ट टू के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 2001 से 2021 तक का ये एनालिसिस किया गया है कि अलग अलग समय पर भारत में टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 2008-9 में काफ़ी इशू देखने को मिला, जब एक तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर उसका असर देखने को मिला। हालांकि भारत में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 और 2009 का असर जो है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड थोड़ा सा कम नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एक रिकैपिटलाइजेशन करिए। मान लेते हैं कि बैंक के पास पैसा नहीं है फंक्शन करने के लिए, राइट, बैड लोन उन्होंने बड़े बड़े लेवल पर हो गया, एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बैंक को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए या बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स ना करे उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट जो है वो उनको रिकैपिटलाइजेशन करती है, यानी पैसा देती है फिर से फंक्शन करने को लेकर। और ये इनडायरेक्टली जो रिकैपिटलाइजेशन है ये टैक्स पेयर की अमाउंट से होता है, यानी हम जो लोग सरकार को पैसा देते हैं उसी पैसे से रिकैपिटलाइजेशन करता है। तो डेफिनेटली इसका असर बैंकिंग सेक्टर और एक टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो पड़ता है, और ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपको अमाउंट देखने को मिलेगी, राइट। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एग्जांपल यहाँ पर दिए गए, यूनाइटेड स्टेट, मलेशिया, आयरलैंड, नाइजीरिया, अलग अलग कंपनीज़ के नेम दिए गए हैं। रिजोल के मामले में सबसे अच्छा रिकवरी रेट जो है वो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट का है, और सबसे ख़राब में अगर आप बात करेंगे तो आयरलैंड अच्छा नहीं कह सकते, 33% के आसपास है, लेकिन नाइजीरिया तो उससे भी ख़राब है क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। जब डेटा अवेलेबल नहीं होगा तब डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक होगा। अब बात करते हैं कि ये NARCL और IDRCL जो कंपनी बना रही है ये काम कैसे करेगी। जैसे NARCL बेसिकली एक बैड लोन्स को बैंक से खरीदेगी और पहले 15% पेमेंट कर देगी उसका, यानी 100% मान लेते प्रॉपर्टी खरीदी उसका 15% एडवांस में पेमेंट करेगी, और ये बोलेगी कि 85% हम तब करेंगे, सिक्योरिटी रिसिप्ट की तरह होगा कि जब हम प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, राइट। यानी 15% एडवांस जो है वो बैंक को पैसा देंगे और 85% जो है पेंडिंग रहेगा कि जब हम प्रॉपर्टी को इसको सेल कर देंगे जो है, और ये सेल करेंगे IDRCL की हेल्प से, उसके बाद हम ये पैसा आपको वापस करेंगे। मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में कि प्रॉपर्टी को बैड लोन को सेल नहीं कर पाता है NARCL, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, जो डिफरेंस होगा इस अमाउंट के बीच में कमर्शियल बैंक्स में या जो एक बैड एसेट है बैड लोन है उस कॉन्टेक्स्ट में उसको गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को लेकर अनाउंस करें कि 30,602 लाख करोड़ की मान लेते हैं कि बैड लोन है उनमें से कुछ अकाउंट जो है कुछ अमाउंट सेल नहीं हो पाती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है पे करेगी और ये इसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट इसमें गारंटी देगी और 30,600 करोड़ रुपये एडवांस में बैड लोन को पे करने को लेकर ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्या इससे बैंकिंग सिस्टम में मदद मिलेगी, डेफिनेटली बैंकिंग सिस्टम में NPA का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसको सॉर्ट आउट करने को लेकर मदद मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ पर ये बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर कंसर्न ये है कि सबसे बड़ा इस पर सवाल ये है कि अगर रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है तो इसका सबसे ख़राब असर पड़ता है टैक्स पेयर पर, कि ये अमाउंट अगर बढ़ती है तो इनडायरेक्टली बैंक को फिर से पैसा देने के लिए टैक्स पेयर पर ही एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है। तो ओवरऑल ये एक इनिशियल सिचुएशन तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा अभी भी, और टैक्स पेयर जो है वो प्रेशराइज रहेंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम अभी भी इनडायरेक्टली। और क्योंकि अगर बड़ी अमाउंट होती है 30,600 करोड़ रुपये आने वाले समय में हो सकता है कि और ज़्यादा अमाउंट हो, अगर आप देखेंगे अगर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जैसे फ्यूल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इनडायरेक्टली जो है टैक्स पेयर पर डबल इसमें बोझ पड़ता है, एक तो टैक्स पे करना ही है, दूसरा अगर आप देखेंगे इस टैक्स पे करने के बाद भी अगर बैड लोन की या NPAs की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होती है या रेजोल्यूशन नहीं होता तो उस कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स करने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी रिकवरी जो है या बैड लोन को जो सेल करने की एक कंसेप्ट है इसमें और तेज़ी आए और ये सिस्टम अच्छे से फंक्शन करे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस एडिटोरियल को आप एक बार ज़रूर पढ़ना जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा हूँ सॉरी। थैंक यू ऑल। जय हिंद।